नमस्कार, 9 बजे के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर, वाराणसी के ज्ञान वापी स्थित व्यास जी तहखाना में देर रात पूजा हुई। तहखाने में पूजा की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। देर रात को ये पूजा पाठ वहां पर हुई है, क्योंकि कल ही फैसला आ गया था व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ करने का, और कल देर रात ही यहाँ पर पूजा पाठ हुई है। तो आधी रात को प्रशासन ने बैरिकेड हटाया, जिसके बाद लोगों ने व्यास जी के तहखाने में पूजा की। व्यास जी तहखाने में 31 साल बाद पूजा शुरू हुई है। कल कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार दिया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए जिला प्रशासन की टीम आधी रात ज्ञान वापी परिसर पहुंची। यहाँ उन्होंने बैरिकेडिंग हटवाकर पूजा की शुरुआत कर दी। पुलिस ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन 24 घंटे के अंदर कर दिया है। बड़ी खबर है, हम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। रवि पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, बताया जा रहा है कि देर रात बैरिकेडिंग हटाई गई है और पूजा पाठ हुआ है। जरा बताएं, रात कितने बजे पूजा पाठ की शुरुआत हुई है? जी देखिए, लगभग 1:30 बजे पूजा पाठ की शुरुआत हो गई, और 1:30 बजे के बाद 2 बजे लगभग जो जिला प्रशासन है वो बाहर निकला और सारी बातों की जानकारी दी। लेकिन उसके पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि देखिए, हम इस वक्त ज्ञानवापी के गेट नंबर 4 के बाहर है, और यहाँ पे अतिरिक्त जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर लगाई गई है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और अंदर जो पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मंगला आरती के बाद जो नियम पूर्वक जो जितनी भी आरतियाँ होती हैं, पूजा जो होती है, जो परंपराओं का जो निर्वहन किया जाता है, वो व्यास जी के तहखाने में शुरू हो चुका है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अंदर से अभी दर्शन करके आ रहे हैं। भाई साहब, तहखाना जो व्यास जी का तहखाना था, वो 31 साल का इंतजार आप लोगों को खत्म हुआ, क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, हिंदू धर्म सनातन धर्म की जीत है। चूँकि ये मंदिर ही था जिसको मस्जिद का रूप दिया जा रहा था, ये अलग बात है, लेकिन आज हमारी जीत हुई है, हिंदू धर्म की जीत हुई है, हिंदू सनातन धर्म की जीत हुई है। अब प्रतिदिन हम लोग दर्शन करेंगे, और बाबा विश्वनाथ जी का भी प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में है, मंदिर ही है, दर्शन करेंगे प्रतिदिन। नियमित दर्शन जिस तरीके से हुई, जिस तरीके से पूजा पाठ होती है, क्या उसी तरीके से तहखाने में पूजा पाठ होगा? अभी तो चूंकि व्यवस्था प्रशासन करेगी, उसी तरीके से होगा। क्योंकि जब मंदिर है तो जब बाबा का दर्शन नियमित उसी तरीके से होता है, मंगला आरती, भोग आरती, शयन आरती, सप्तऋषि आरती, तो ऐसे बाबा का भी ऐसा ही होगा। लेकिन अभी व्यवस्था होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कॉरिडोर बनने में शुरुआत कल रात को हो चुकी है। एकदम हो गई शुरुआत। देखिए बिल्कुल, देखिए शुरुआत कल रात से हो चुकी है, लेकिन जितनी भी परंपराओं का निर्वहन होता है वो पूरी तरह से तहखानों में किया जाएगा, और खासा उत्साह देखा जा रहा है। अब हमारे साथ कुछ और भी दर्शनार्थी हैं अंदर, तहखाना खुल चुका है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत ही हमारे सत्य सनातन धर्म का जीत हुआ है, जो कि आदि काल वो आदि बाबा विश्वेश्वरनाथ का मंदिर है। बहुत ही खुश है, हम ही नहीं हमारे साथ में करोड़ों हिंदू खुश है कि जो कि हमारा आज विश्वेश्वर महादेव प्रकट हो चुके हैं। 31 साल बाद ये इंतजार खत्म हुआ। हाँ, बहुत खुश है हमारे काशीवासी, इतना खुश है कि क्या बताया जाए। देखा आपने अंदर तहखाना? हाँ, गए थे लेकिन अभी रोक रहा है प्रशासन, लेकिन जाना है, पूजा पाठ स्टार्ट हो। देखिए, आम दर्शनार्थियों को अंदर जाने का वो आदेश नहीं है, लेकिन दूर से बकायदे लोग तहखाना देख रहे हैं, उसी तहखाने को देख रहे हैं जो 31 साल तक बंद था, जिसके आगे बैरिकेडिंग लगी हुई थी, लेकिन वो बैरिकेडिंग हट गई है, और जो दर्शन का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, और नियमित दर्शन पूजा पाठ यहाँ पर किया जाएगा। बिल्कुल, लोगों से आप बातचीत भी करिए रवि, क्योंकि एक वक्त था जब मुलायम सिंह सरकार चल रही थी, और उसी दौर में व्यास जी तहखाने के अंदर पूजा पाठ बंद करवाया गया था, और अब 1993 के बाद 31 साल बाद एक बार फिर से पूजा पाठ हो रही है योगी राज में। जरा लोगों से रिएक्शन लें। जी बिल्कुल, देखिए 31 साल पहले अचानक से ये बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, और तहखाने में जाने का जो प्रवेश है उसको बंद कर दिया गया था। ये काफ़ी आश्चर्य लगा था यहाँ के हिंदू समाज के लिए, यहाँ के नियमित दर्शन करने वालों के लिए, लेकिन 31 साल बाद बाकायदे साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला किया है, कोर्ट ने यह अधिकार दिया है हिंदू पक्ष को वहाँ पर पूजा करने के लिए, और पूजा करने के बाद यहाँ का जो लोग हैं, जो स्थानीय दर्शनार्थी हैं, वो तहखाने का दर्शन कर रहे हैं, इस बात का जो उत्साह है वो खासा देखा जा रहा है। लोगों का कहना भी है कि जो काली चादर जो एक चढ़ गई थी 31 साल से, वो यहाँ पर अब हट गई है, तो ऐसे में लोगों का खासा उत्साह बना हुआ है। आप लोग कहाँ से दर्शन करके आए हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। एक सुबह की खबर आप लोग सुनेंगे कि अंदर एक तहखाना 31 साल से बंद हुआ था, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे?
ये तो मैंने नहीं सुना है। देखिए ये बाहर के लोग दर्शन करने आए हुए, इनको नहीं पता है, लेकिन जो स्थानीय पुजारी हैं जो अंदर अभी तहखाने में जो अंदर दर्शन कर रहे हैं, 31 साल बाद ये दर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर के खासा उत्साह बना हुआ है, तहखाना खुल गया है जी बिल्कुल। कितना परिश्रम के बाद यह न्याय मिला है जी? जी बहुत अथक परिश्रम, हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी लीगल टीम, हमारी चारों बहनें इसके लिए अथक परिश्रम की जो है, और उस परिश्रम का आज परिणाम है कि आज तहखाना खुला जो है, और हमारा फिर से जो 33 दशक से जो है वो तहखाना बंद था, जहां पहले ओम का मंत्रोच्चार होता था, जहां घंटी बजती थी, जहां पूजा पाठ होता था, जहां शंखनाद होता था, वो जो है उस स्थान को बंद कर दिया गया था, आज वह पुनः शुरू हो गया। आज पूरी काशी जो है उत्सव में है, उत्सव मना रही है जो है, और सभी लोग दिल से आज के दिन का स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दिल से लोग आज के दिन का स्वागत कर रहे हैं, कितना स्वागत करें आज के दिन का? बहुत बहुत प्रसन्न है, इसमें कोई संदेह नहीं। वैसे तो सुना है कि किसी कालखंड में दारा शिकोह ने भी अधिकृत किया था व्यास जी को लिखित रूप में, ये हमने सुना है, और अब उसका तो उसकी लेकिन अब तहखाने का दर्शन हो रहा है तो क्या कहना है? बहुत बहुत प्रसन्न है, कम से कम लोगों को बहुत अपेक्षा भी थी, प्रतीक्षा लोगों ने किया, आज बहुत प्रसन्नता का दिन। तो पहली जीत हिंदू पक्ष की पहली जीत ये मानी जा रही है, और जो एक 31 सालों का जो एक चादर ढका हुआ था तहखाने के बाहर वो अब हट चुका है, यानी कि नियमित दर्शन अब शुरू हो गया, जितने भी दर्शनार्थी यहाँ पर है और वहाँ पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहाँ पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। कई जगह से कहा यह जा रहा है कि टाइम बिल्कुल नहीं दिया गया, 7 दिन की बात हो रही थी, लेकिन रातों रात किस तरह से करा दिया गया, जो दूसरी अपोजिशन पार्टी उनको एक तरह से अपील करने का भी मौका नहीं दिया, उसको कैसे देखते हैं? जिस तरह से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था, आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया। अभी खबर ये आ रही है कि आम लोग जिस तरह से अभी डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि शुरुआत एक तरह से हो गई है, उसको क्या लगता है कि जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए क्या? नहीं, मुझे लगता है आम लोग जा सकते हैं और आम लोग जाएंगे भी, जो भक्तजन है वो वहाँ पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। पूजा पाठ कौन करे इसके लिए ऑलरेडी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को निर्धारित किया गया है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं शैलेंद्र व्यास उन्होंने भी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को ही ऑथोराइज किया है कि वही पूजा पाठ करें, और जब पुजारी पूजा पाठ करता है तो भक्तजन उस पूजा पाठ में जरूर सम्मिलित होते हैं, तो वो भी कार्रवाई होगी आगे। खुशी है कितने सालों बाद एक तरह से? नहीं, बहुत बहुत एक इम्पोर्टेंट जजमेंट था कोर्ट का, और मुझे खुशी ये है कि राज्य सरकार ने इसको इमीडिएटली इसका कंप्लायंस किया। How do you see this for the present situation in Gyanmati and the temple? How do you see this? This is a very very important order, and let me tell you that in compliance of the orders of the Honorable District Court of Varanasi passed yesterday.